अर्बन क्रूजर का मिड मॉडल है और ऑटोमेटिक है, पेट्रोल वेरिएंट, और इस मॉडल के अंदर कोई भी क्रूज कंट्रोल लग के नहीं आता। तो आहा नेक्स्ट क्रूज, आपको इसके साथ में जो रिमोट मिलता है वो भी वायरलेस मिलता है। तो प्लग एंड प्ले फिटिंग मिलती है। ये जो डायल देख रहे हैं इसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, अगर आप राइट साइड पे रोटेट करते हैं तो आपका जो है स्पीड अप हो जाती है, स्पीड बढ़नी शुरू होती है। फ्यूल माइलेज मुझे उम्मीद है उससे काफी बढ़ जाएगा, 101% सर फ्यूल माइलेज आपकी बढ़ेगी। ये आहा नेक्स्ट क्रूज की इसके अंदर आप ऐप भी देख सकते हैं। जी। और बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही थी आराम से 20 पे। जी मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता एक्सेप्ट फॉर स्टीयरिंग कंट्रोल। ओके। आज हम बैठे हुए हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर के अंदर और इसके अंदर आज हम बहुत ही बढ़िया एक चीज लगाने जा रहे हैं। जैसे ये अर्बन क्रूजर का मिड मॉडल है और ऑटोमेटिक है, पेट्रोल वेरिएंट, और इस मॉडल के अंदर कोई भी क्रूज कंट्रोल लग के नहीं आता, जबकि इसके ऊपर वाले दो मॉडल्स में कंपनी क्रूज कंट्रोल लगा के देती है। बट अब हमारे पास अगर ये वाला मॉडल है और अगर हम क्रूज कंट्रोल को इंजॉय करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई बढ़िया सोल्यूशन तो चाहिए। तो आहा नेक्स्ट क्रूज ये एक ऐसा सोल्यूशन है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया वर्किंग है और YouTube पे आप देख चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों में हम अपने चैनल के ऊपर सक्सेसफुली लगा चुके हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसको दिखा चुके हैं और प्रमोट कर चुके हैं। बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट और बहुत ही बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल यूज़ है इसका। इसकी भी पूरी मैं वर्किंग आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा डिवाइस है ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसके अंदर आपको टोटल प्लग एंड प्ले फिटिंग मिलती है। इसके अंदर आपको कोई भी किसी तरीके की वायर कटिंग का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% प्लग एंड प्ले है, पूरा कपलर टू कपलर होगा। अभी आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कपलर टू कपलर लगेगा। ये पूरी की पूरी मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ इसकी, ये जितने भी आप वायरिंग देख रहे हैं ये सब कपलर टू कपलर वायरिंग आपको मिलेगी। किसी भी तरीके की कोई वायरिंग आपको इसमें काटनी नहीं है, छीलनी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये OBD पोर्ट का कनेक्टर है और बाकी भी जितने भी आप सामने वायरिंग देख रहे हो ये टोटल प्लग एंड प्ले है। अब प्लग एंड प्ले के साथ साथ आपको इसके साथ में जो रिमोट मिलता है वो भी वायरलेस मिलता है। इसकी भी एक बहुत बढ़िया खासियत है कि आप इसको कहीं पर भी अपनी फेवरेट जगह पर लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेयरिंग पे चाहिए। बहुत से लोग इसको कहीं और प्लेस करने भी जाते हैं, कई लोग अपनी लैप्स में रख लेते हैं या आपका डैशबोर्ड का ये वाला जो एरिया है इस एरिया में भी आप लगा सकते हो, यहाँ आपके कप होल्डर वाले एरिया में भी लगा सकते हो। ये देखो ये जो है इसका पूरा प्रॉपर यहाँ का ही डायल के हिसाब से बना हुआ है ये। तो कोई भी आप अपनी मनपसंद जगह में गाड़ी में लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत कमाल है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा चल रहा है और जैसे क्रूज कंट्रोल बाकी गाड़ियों में काम करता है वैसे इसी के अंदर एंगेज होता है। इसमें आपको डिस्प्ले भी मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप डायल देख रहे हैं ये इस डायल को आप ऐसे सेंटर में प्रेस करेंगे तो हमारा क्रूज कंट्रोल एंगेज हो जाएगा और ये जो आप डायल देख रहे हो ये घूमता है। इसके साथ में आप जिस भी डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और एंटी क्लॉकवाइज में स्पीड आपकी घटेगी। तो आइए अब इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली रोड पर भी टेस्ट करते हैं और कस्टमर का भी रिव्यू जानते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट ओवरऑल कैसा लगा। अर्बन क्रूजर का ऑटोमेटिक वेरियंट है पेट्रोल, बट आपके पास कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो मारुति मेड हो, चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा हो, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, CNG हो, ये एक इतना सक्सेसफुल सॉल्यूशन है आहा नेक्स्ट क्रूज 3D इनोवेशन कंपनी का कि टोटल एक तो प्लग इन पे लगता है और बिल्कुल सक्सेसफुल लगता है बिना किसी लैग के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और जैसे कंपनी का क्रूज कंट्रोल काम करता है उससे बढ़िया काम करता है। इसके अंदर आपको 2-3 फीचर और अच्छे मिल जाते हैं, साथ में इसको इसमें आपको एक एप्लीकेशन भी मिल जाती है जिस एप्लीकेशन से आप बड़े सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो और सेट कर सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा हमारा क्रूज कंट्रोल का सिस्टम।
अब इसको एक बार रोड टेस्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसा यूज होता है। इसके साथ में हमारे को एक ये डिस्प्ले भी मिल जाता है, सामने आपके मीटर के सामने एक डिस्प्ले पड़ा आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको ब्लू कलर की लाइट मिल रही है। ये डिस्प्ले ही आपको बताता है सारा का सारा स्टेटस कि क्रूज कंट्रोल किस टाइम एंगेज हुआ। जैसे ही इसमें ग्रीन लाइट आ जाएगी हमारा क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं। इस डायल का जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा सिस्टम है। जैसे ही हम 20 की स्पीड को क्रॉस करेंगे मीटर के ऊपर और हम इस बटन को दबाएंगे, सामने गाड़ी हमारी रोल हो रही है और ये बटन को दबाते ही हमारा क्रूज कंट्रोल है जो एक्टिव हो गया। अब इस टाइम हमारी गाड़ी जो है क्रूज पे चल रही है। बिकॉज अभी ट्रैफिक है तो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली सर आप जैसे यूज कर रहे हो इसको, तो जैसे ही मैंने ये बटन दबाया तो ये वाकई में स्पीड आपकी लॉक हो गई। मैंने पैर हटा लिया इसलिए एक्सीलेटर से जी, और ये 20 की स्पीड पे गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, क्रूज हो रही है, कोई मेरा पैर एकदम दोनों फ्री है बिल्कुल। ओके, और बस गाड़ी अपना 20 चल रही है। और चलाने में आपको कैसा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल लग रहा है? मतलब पैर एकदम फ्री है मेरे, तो मुझे स्टीयरिंग कंट्रोल करना है जी, और मुझे कुछ भी नहीं, मतलब पैर से कुछ नहीं करना है। गाड़ी आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक है बिल्कुल। लगाने का पर्पस यही है कि पैर को बहुत रेस्ट मिल जाता है लॉन्ग ड्राइव्स पे। लॉन्ग ड्राइव्स पे जो एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ता है कंटिन्यूअसली, जी वो जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे भी आपने देखा सामने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही डिसंगेज हो गया जी। तो ये मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूंगा, ये जो डायल देख रहे हैं इसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। अगर आप राइट साइड पे रोटेट करते हैं तो आपका जो है स्पीड अप हो जाती है, स्पीड बढ़नी शुरू होती है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप करते हैं तो आपकी स्पीड घटनी शुरू होती है। और अगर आप ब्रेक का पैडल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रूज कंट्रोल डिसंगेज होता है। और साथ में जो आप ये वाले बटन देख रहे हैं, इस बटन के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, सिटी मोड और स्पोर्ट मोड, जो कि आपको नॉर्मल कार्स के अंदर ये फीचर नहीं मिलता। इसके अंदर जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपका क्रूज कंट्रोल के बाद आप अपनी कार को सिटी मोड और स्पोर्ट मोड में भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक येलो कलर की लाइट भी दिख रही होगी, ये हमारे कार अब इस टाइम सिटी मोड में आ गई है। और सिटी मोड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी कार की एफिशिएंसी बढ़ जाती है फ्यूल की, और आपकी जो है कार की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। और स्पोर्ट मोड अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो स्पोर्ट मोड लगाने में हमारे को बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमारी कार का जो है वो ओवरऑल जो है वो पिकअप बढ़ जाता है, हमारी कार का टॉर्क बढ़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा इस क्रूज कंट्रोल का आपको सारे फीचर टू फीचर मैंने आपको समझा दिया। ये आहा नेक्स्ट क्रूज की इसके अंदर आप ऐप भी देख सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर स्पीड लिमिट देख सकते हैं, आप इसके अंदर अपना एनर्जी मोड कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी क्रूज की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर भी आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत इजी टू यूज है, बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत सिंपल इसके फीचर्स हैं, वायरलेस डायल के अंदर है, टोटल प्लग एंड प्ले है। आशा करता हूँ मैंने आपको सारे फीचर्स बहुत बढ़िया तरीके से समझाए होंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और गाड़ियों के भी लिंक छोड़ देता हूँ जिनमें हम ऑलरेडी सक्सेसफुल लगा चुके हैं। सर से एक बार मैं दोबारा से आप मिलना चाहूँगा। सर कैसा आपका प्रैक्टिकली जैसे आपने यूज़ किया अभी थोड़ी देर के लिए, तो लग रहा है कि हाँ वाकई में ये काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप जैसे ही इसको बटन प्रेस किया था जी, ग्रीन लाइट आई थी जी, ऑटोमेटिकली वो 20 पे स्पीड सेट की थी, पैर हटा लिया था जी, बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही थी आराम से 20 पे जी, मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता एक्सेप्ट फॉर स्टीयरिंग कंट्रोल। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ जब हाईवे पे चलाऊंगा तो इवन मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा जी। बिल्कुल, आई कैन सेट द स्पीड एट 70 और 80 एंड आई कैन ड्राइव कंफर्टेबली। सर इसका असली मजा ही हाईवे के ऊपर है। इनफैक्ट फ्यूल माइलेज मुझे उम्मीद है उससे काफी बढ़ जाएगा। 101% सर फ्यूल माइलेज आपकी बढ़ेगी, बिकॉज जब हम एक एक्सेलरेट करके एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं और ब्रेक्स कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। और खास करके आप जब सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड के ऊपर लोगे तो स्पोर्ट मोड पे आप गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो बहुत बढ़िया इंजॉय करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, किसी नई गाड़ी में दोबारा से आहा नेक्स्ट क्रूज लगा के आपको दिखाएंगे और आपको कोई नई अपडेट दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।